2 महीने बाद ये साल भी बीत जाएगा और हर बार की तरह कुछ खट्टे मीठी यादें छोड़ जाएगा। और ये साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए तो कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि इस साल साउथ की फिल्मों ने अपना पत्ता जो जमाए रखा है, लेकिन इतने शानदार काम करने के बाद भी आप नहीं जानते होंगे कि साउथ इंडस्ट्री में बीते कुछ महीनों में कई ऐसे फिल्में रिलीज हुई हैं जो बड़े स्टार और जबरदस्त बजट के साथ भी फ्लॉप हुई हैं और इससे मेकर्स को करोड़ों का चूना लगा है। आइए आपको उसके नाम बताते हैं। सबसे पहले जिस फिल्म का नाम आता है वो है आचार्य। तेलुगु भाषा में बनी फिल्म आचार्य 140 करोड़ के हाई बजट और साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण को लेकर बनाई गयी थी। फिल्म के स्टार कास्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है, पर फिल्म ने सोच के परे जाकर बेहद ही कम कमाई का आंकड़ा छुआ। आचार्य महज 75 करोड़ कमाने में ही कामयाब हो पाई। वहीं दूसरे नंबर पर नाम आता है फिल्म राधेश्याम। राधेश्याम तो सबको याद ही होगी। फिल्म में साउथ सुपर स्टार प्रभास और पूजा हेगड़े मौजूद थी। फिल्म को बनाने में 300 से 350 करोड़ तक का बजट लगाया गया था, लेकिन 10 से 15 करोड़ में बनी द कश्मीर फाइल्स ने राधे श्याम को सिनेमा घर में करारी मात दी, जिसके बाद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। भाई अब तीसरे नंबर पर जिस फिल्म का नाम आता है वो है विराट परवान। विराट परवान पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें साई पल्लवी और राणा दग्गुबाती अहम भूमिका में हैं। मेकर्स ने इस फिल्म को भी 15 करोड़ के बजट के साथ बनाया था, लेकिन अफसोस मूवी का फुल कलेक्शन 11 करोड़ पर आकर ही टिक गया, जिस कारण ये फ्लॉप साबित हुई। वहीं अब चौथे नंबर पर नाम आता है फिल्म द वॉरियर का। इस फिल्म में कीर्ति शेट्टी और राम पोथी नैनी की जोड़ी साथ नजर आई थी, लेकिन दोनों सिनेमा घरों में कमाल नहीं दिखा पाए। तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई ये फिल्म लगभग 36 करोड़ कमाई कर पाई। वहीं अब आखिरी नाम आता है फिल्म थैंक यू का। नागा चैतन्य ने इस साल आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसे ठीक कुछ दिन पहले नागा चैतन्य की फिल्म थैंक यू सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म 40 करोड़ के बजट के साथ बनी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी और फिल्म ने महज 8 से 9 करोड़ की कमाई की। तो ये वो कुछ फिल्में हैं जो इस साल साउथ के बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन क्या आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।